गर्भ संस्कार का पालन करने की एक्टिविटीज। तो सबसे पहली एक्टिविटी है प्रार्थना। प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 9 महीने हर रोज माता पिता को साथ में मिलकर, हो सके तो परिवार के सभ्यों को भी साथ में मिलकर, गदगद भाव से अपने इष्ट देव को प्रार्थना करनी है, ये विचार के साथ कि भगवान खुद अपने असल स्वरूप के साथ, अपने अंश के साथ आकर आपके, मतलब हमारे गर्भ में विराजमान हो, वैसे महान गुणों वाले संतान का हमें जन्म देने का अवसर दें। साथ ही साथ गर्भ की सलामती के लिए, रक्षा के लिए, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी भी सलामती रहे और गर्भ संस्कार का श्रेष्ठ तरीके से पालन हो सके, ऐसी पवित्र भावना के साथ रोज प्रार्थना करनी है। हो सके तो दिन में 2 बार प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना वे प्रार्थना आत्मा का खुराक है। तो जिस तरह शरीर को हम खाना खिलाते हैं, उस तरह आत्मा को मजबूत बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए उसे हमें खाना खिलाना है प्रार्थना रूपी। तो ये क्रिया हमें रोज करनी है। इसके अलावा संस्कृत के श्लोक, भगवत गीता वेद वगैरह के श्लोक, साखी कड़ियां, छंद दोहे, ये सारी चीजें हमें प्रेगनेंसी के दौरान नित्य अभ्यास करना है। ये अभ्यास करने के अनगिनत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। अगर संस्कृत के श्लोकों को, प्रोनाउंसिएशन, इस भाषा को सुना जाता है तो ये माता पिता के लिए तो अच्छा है ही, बच्चे के लिए उसकी प्रोनाउंसिएशन कैपेबिलिटी, लैंग्वेज लर्निंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है ये करने से। साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है कि बच्चे प्रेगनेंसी के दौरान शब्द सीख जाते हैं। कुछ रिसर्च तो यहाँ तक पहुँचे हैं कि बच्चा गर्भ में ही 4 भाषाएं सीखकर जन्म ले सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए संस्कृत का अध्ययन, संस्कृत का श्रवण बहुत पावरफुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो अगर आपको बेस क्लियर हो जाएगा तो बाकी सब चीजें सीखना ज्यादा सरल रहेगा। इसके अलावा श्लोक, छंद, साखी, दोहे सुनने का दूसरा फायदा ये है कि छोटी छोटी दो दो लाइन की कड़ियों में बहुत बड़ा मर्म छुपा हुआ होता है, और इन सब श्लोकों को अगर कंठस्थ कर लिया जाए तो ये सब चीजें पूरी जिंदगी काम आती है। जब भी हम कोई परेशानी में है या कोई तकलीफ में है, तो कोई भी श्लोक या कोई घटना, अगर वो श्लोक का मर्म अगर हमें याद आ जाता है तो वो हमें बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है। तो इस विजन से भी हमें ये श्लोक वगैरह उस समय पढ़ने चाहिए। और तीसरा रीजन है कि जितना हम हमारी परंपराओं को याद रखेंगे, उससे हमारी आने वाली जनरेशन तक पहुंचाएंगे, उतना उनका जीवन भी श्रेष्ठ और समृद्ध बन पाएगा। तीसरी एक्टिविटी है योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज वगैरह। ये सारी एक्टिविटीज भी बेहद जरूरी है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी करने की। हाँ, अगर आपको डॉक्टर द्वारा आराम करने का या ये सब एक्टिविटीज नहीं करने की सलाह दी गई है तो आप डॉक्टर की बात को ही पालन करेंगे। अगर आपका बॉडी नॉर्मल है और रूटीन एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, तभी आपको योगा, मेडिटेशन वगैरह में इन्वॉल्व होना है, प्राणायाम में इन्वॉल्व होना है। पर प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चीज़ों का बहुत गहराई से ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ एक्सेसिव नहीं करनी है, बॉडी को स्ट्रेच कर कर कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, जितना आप आसानी से कर सके उतना ही करना है। प्राणायाम करते समय सांस को ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रखना है, प्रेगनेंसी में ये होने वाले शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए बिल्कुल साहजिकता से ही प्राणायाम में जुड़े। पर प्राणायाम करना, ओम चैंटिंग करना, भ्रामरी प्राणायाम करना, अलग अलग प्रकार के योग करना, नियमित प्रकार से वॉकिंग करना, ये सब कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी में बहुत आवश्यक है। इससे माता को जो ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि अनइजीनेस रहती है, वॉमिटिंग वगैरह के सेंसेशन रहते हैं, अनइजीनेस रहता है, ये सारे प्रॉब्लम्स इन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। और अगर प्रॉपरली थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इन सब चीज़ों को अच्छे से किया जाए तो डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पुराने समय में प्रेग्नेंट लेडीज को घर में पोछा करवाया जाता था, घर की सभी एक्टिविटीज में कार्यरत रखा जाता था। उसके पीछे यही रीजन था, जितना फिजिकल एक्टिवनेस रहेगा उतनी डिलीवरी की प्रोसेस नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे का सेगमेंट है आहार शुद्धि। अभी हम जब मॉडर्न साइंस के जमाने में, 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो आहार को लेकर महदंश में सभी
प्रेग्नेंट कपल्स एक्टिव होते हैं। हाइजीनिक फूड खाना, पौष्टिक खाना खाना, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं। इवन हम बाहर जाते हैं तो स्ट्रीट फूड अवॉइड करते हैं और अच्छे होटल में जाना पसंद करते हैं। पर अब इन सब चीज़ों के चलते हुए एक चीज़ से हम अभी भी अनजान हैं, और वो है भोजन पर भोजन बनाने वाले की असर, भोजन बनाने वालों के विचार की असर। आपको याद होगा कि पुराने समय में हमारे बड़े बुजुर्ग खाना बनाते समय भगवान का भजन गाते थे, अच्छा म्यूजिक सुनते थे, पॉजिटिव बातें करते हुए भोजन बनाते थे, और भोजन बनने के बाद सबसे पहली थाली भगवान को परोसी जाती थी, भगवान को चढ़ाई जाती थी, और भगवान के भोजन करने के बाद उस प्रसाद बने हुए खाने को बाकी खाने में मिलाया जाता था और फिर वो खाना सब खाते थे। इन सारी प्रथा के पीछे एक ही लॉजिक है कि पौष्टिक खाना भी अगर नेगेटिव विचार वाले इंसान ने बनाया है और वो नेगेटिव विचार वाले इंसान से बना हुआ खाना आप खा रहे हैं तो विचार नेगेटिव आएंगे। इसलिए आहार शुद्धि के अंदर इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि घर में जो भी खाना बन रहा है वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, पवित्र हो, वहाँ पर भगवान का भजन चल रहा हो, और साथ ही साथ खाना बन जाने के बाद उसे भगवान को पहले परोसा जाए। भगवान को खिलाने के बाद प्रसाद रूप बना हुआ खाना अगर हम खाते हैं तो नेगेटिव विचार ट्रांसफर होने का काम बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इस तरह से भोजन में भी खास ध्यान रखना है, हो सके वहां तक आयुर्वेद के लॉजिक्स को, आयुर्वेद के जो आदेश हैं उन्हें पालन करने की कोशिश करें तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। डिलीवरी वगैरह की प्रोसेस में भी ये फूड बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद में प्रेगनेंसी के मंथ के हिसाब से जिस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है उस प्रकार के व्यंजनों का सूचन दिया हुआ है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है आयुर्वेद की ओर से। इसके अलावा संगीत सुनना चाहिए, हर महीने के अनुसार अलग अलग प्रकार के रागों का निर्माण हुआ हुआ है। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत सुनना, सुगम संगीत सुनना, विविध प्रकार के वाजंत्रों के इंस्ट्रूमेंटल सुनना, सरिता, सरोद, संतूर, हारमोनियम, मुरली, बांसुरी, इन सब के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सुन, तबला, इन सब के अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल सुनना, उसका भी एक अलग आनंद है। उससे बच्चे के डेवलपमेंट में एक अलग असर होता है। बच्चा गर्भ में है तब मैक्सिमम पानी में है, क्योंकि आसपास उसके पास गर्भजल की जो रचना होती है वो केवल और केवल पानी होता है। तो जब म्यूजिक सुनती है मदर तो म्यूजिक के जरिए उस पानी में तरंग उत्पन्न होते हैं, और उन तरंग द्वारा बच्चे के गड़न में अलग अलग प्रकार के बेनिफिट होते हैं। इन सब विषयों पर भी काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं और अद्भुत परिणाम आए हैं इन सब चीज़ों से। तो ये एक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, कहानियाँ और प्रेरक प्रसंग सुनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कहानियों को सुनते समय हम एक विजुअलाइजेशन की दुनिया में चले जाते हैं। उस घटना को, उस प्रसंग को हम जीने की कोशिश करते हैं, उसे फील करने की कोशिश करते हैं, और इसका इम्पैक्ट आता है सबकॉन्शियस माइंड पर और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। और साथ ही साथ कहानियों द्वारा जो बोधपाठ मिलते हैं, जो मोरल मिलते हैं, वो इतने सरल होते हैं कि उन्हें पचा जाना, उन्हें अपने जीवन में उतारना बहुत आसान बन जाता है। इसलिए कहानियाँ सुनना बेहद आवश्यक है, और बच्चों को तो कहानियाँ हमेशा से प्रिय होती है। फ्यूचर में भी अगर अभी से कहानियाँ सुनाने की बच्चे को प्रैक्टिस डाल दी होगी तो फ्यूचर में उसे अगर कभी भी कुछ सिखाना होगा, कोई बात रिवाइज करवानी होगी, तो कहानियों को सुनने की अगर उसे आदत डाली हुई होगी तो बहुत सरलता से वो सुन पाएगा और सीख पाएगा। इसके अलावा प्रेरक किस्से, मतलब कि महान पुरुषों के जीवन चरित्रों को सुनना और उन्हें समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने अपने जीवन में कैसी किसी परिस्थितियों में क्या कार्य कर सफलता हासिल करी, कैसा विचार रखा, कैसा अनुसरण किया जिससे श्रेष्ठता को हासिल कर पाए, उसे जानना भी बेहद जरूरी है। जब हम बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों को लाना चाह रहे हैं तो ऐसे किस्सों का डेटाबेस उसके दिमाग में क्रिएट करना ये एक बहुत मैच्योर और सही डिसीजन है। इसलिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुननी चाहिए, महान पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने चाहिए। पूरे जीवन चरित्र अगर न भी पढ़ पाए तो उनके जीवन में बने हुए श्रेष्ठ किस्सों को पढ़ना चाहिए, तो इन सब चीज़ों से भी बहुत बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा कौशल्यवर्धक प्रवृत्तियाँ करनी चाहिए, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी हो गई, ब्रेन टीजर्स, ब्रेन पजल्स सॉल्व करना,
इसके अलावा ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ड्रामा करना, म्यूजिक सुनना, हाउस हैक्स करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट में से बेस्ट बनाना, जो भी मनपसंद हॉबी एक्टिविटीज़ है वो करना। आपको याद होगा कि प्रेगनेंसी में पुराने समय में मैक्सिमम टाइम गर्भवती माताएं स्वेटर बनाने में बिताती थी। ऑलमोस्ट एक स्वेटर बनने में पूरी प्रेगनेंसी उनकी बीत जाती थी, और रोज़ एक एक दो दो घंटा, तीन तीन घंटा तक वो स्वेटर बुनती रहती थी। तो ये सब चीज़ें क्या है, इस बात को समझते हैं हम। आप लोगों ने आगे जो सवाल किया था उसके साथ ही, कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में अनइजीनेस रहती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, उल्टी उबकन का प्रॉब्लम रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों रहते हैं? क्योंकि हम पूरे दिन विचार करते रहते हैं, मुझे परेशानी है, मुझे परेशानी है, मुझे परेशानी है। और स्वाभाविक है कि जब इंसान थोड़ी भी परेशानी में होता है तो उसके विचारों से उसे वो मल्टीप्लाई कर देता है। तो जब आप ये सारी प्रवृत्तियों में जुड़ जाएंगे, ये सारी एक्टिविटीज करते रहेंगे पूरे दिन के दरमियान, तो आप अपने आप से ही अंदर से आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आप खुश रहेंगे, आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता रहेगा, और ये एक्टिविटी करने का एक जुनून ऐसा रहेगा मन में कि आप अपनी बॉडी के प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उल्टी उबकन नहीं आएगा, या आपको जो छोटी मोटी परेशानी आती है प्रेगनेंसी के दौरान वो नहीं आएगी, वो आनी ही आनी है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है, एक नया जीव जन्म ले रहा है। बहुत मैसिव फिजिकल करेक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, उन्हें हम नहीं रोक सकते, पर हम हमारे मन को डाइवर्ट कर सकते हैं, हम हमारे विचारों को डाइवर्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को अलग क्रियाओं में जोड़ के रख सकते हैं, जिससे हमारा ध्यान उस नेगेटिविटी पर न जाए और हम इस घटना को पॉजिटिव बना दें। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आपको समझ आया होगा, आपके प्रश्न का आंसर भी मिला होगा। और अब जो मैं एक्टिविटी आपको बताने जा रहा हूँ, गर्भ संवाद, वो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है। इसके द्वारा मिरेकल्स पॉसिबल हैं। इस एक्टिविटी का क्या महत्व है उसे अब हम समझते हैं। गर्भ संवाद मतलब के गर्भ से बातें करना, उससे विचार विमर्श करना, डिस्कशन करना। अब आपको विचार आएगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है, अभी तक का तो सारा समझ में आया, सब कुछ प्रैक्टिकल है, रीजनेबल है, लॉजिकल है, पर बच्चे से बातें करना ये कैसे मुमकिन है? वो तो गर्भ में है, अंधेरा है वहां पर, वो क्या करेगा सुनकर, या क्या बेनिफिट रहेगा? तो सबसे पहले हम ये बात वापस याद करते हैं कि वो सुन सकता है, समझ सकता है, पर साथ ही साथ एक परेशानी है यहाँ पर कि वो अंधेरे में है, अकेला है, उससे आपकी तरफ से, माता की तरफ से फूड प्रोवाइड हो जाता है, इसके अलावा और कोई कम्युनिकेशन उसके संग हो नहीं रहा है, वन वे चल रहा है जो भी चल रहा है, वो कि वो सुन रहा है जो हो रहा है वो, पर उससे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। अब अभी जो परिस्थिति से पूरी दुनिया गुजर रही है, लॉकडाउन ऑलमोस्ट सब जगह हो गया है, इस चीज को अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 10-12 दिनों से हम सब घर में बंद हैं, हम घर में बंद हैं, पर हमारे पास खाने पीने की सारी व्यवस्था है, हमारे पास घर के सदस्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बातें करते हैं, खेलते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, साथ में मिलकर खाना पका रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह के पुराने फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं हम सब। इसके अलावा हमारे पास एंटरटेनमेंट के सारे साधन अवेलेबल हैं, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, फिर भी हम सब बोर हो रहे हैं। सोचिए, इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद हम बोर हो रहे हैं, तो 9 महीने गर्भ में अंधेरे में रहने वाला बच्चा बोर नहीं हो रहा होगा? उससे क्या एक इमोशनल अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है? वो अटैचमेंट देने का काम, मतलब कि गर्भ संवाद, बच्चा आपके हाथ में है, प्रत्यक्ष है, जीवंत है, ऐसी भावना के साथ पति पत्नी पेट पर हाथ रखें, प्यारा सा स्पर्श दें, और बच्चे से बातें कर रहे हो ऐसी भावना के साथ उससे बातें करें। हे बेटा, तू कैसा है? हमें तेरी बहुत परवाह है, हम तेरे विकास के लिए श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, तुझे कोई भी परेशानी ना हो इसके लिए हम जागरूक हैं, तू दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बालक है, तेरे अंदर श्रेष्ठ में श्रेष्ठ संस्कार हैं, धीरज है, चतुराई है,
इस तरह से अलग अलग प्रकार के वाक्यों द्वारा उपरोक्त जो एक्टिविटीज की हमने बात की, वो सारी एक्टिविटीज भी आप इस तरह की बातें करते हुए बच्चे को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, ताकि बच्चे को मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे इससे। एक तो उसका अकेलापन कम हो जाएगा, उसका इमोशनल अटैचमेंट अभी से आपके संग होना शुरू हो जाएगा, वो सबकी आवाज पहचानेगा, सबके संग उसकी आत्मीयता बढ़ती जाएगी, पेट पर हाथ रखकर जो बातें करने की प्रक्रिया है उससे वो आपके टच को भी पहचानना शुरू कर देगा और उसकी श्रवणेंद्रिय बहुत पावरफुली डेवलप होगी। तो इस तरह की कुल मिलाकर एक्टिविटीज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट लेडीज को करनी चाहिए। और गर्भ संस्कार का पालन भोजन जितना इम्पोर्टेंट है, हम अगर रोज भोजन करते हैं, अगर हम भोजन को एक भी दिन अवॉइड नहीं कर सकते, उसी तरह रोज गर्भ संस्कार का पालन करना जरूरी है, एक भी दिन इसको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रोज हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स बन रहे हैं और हमारे हाथ में नहीं है कि हम हर न्यूरॉन्स को बचा सकें, पर जितने न्यूरॉन्स को हम बचा सकें उन्हें पावरफुल नॉलेज से लेस कर सके, पावरफुल नॉलेज उसमें इनकॉर्पोरेट कर सके, ये हमारी जवाबदारी है, हमारा कर्तव्य है।